अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ऐसी रियल इस्टेट चैनल में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद नूरुद्दीन फिर एक न्यू वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है लंगर हाउस से, एक G+5 बिल्डिंग है, रजिस्टर्ड है, क्लियर टाइटल है, टैक्स पेड है, परमिशन के साथ है, स्पॉट रजिस्ट्री है। तो यहाँ पर मैं आपको 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर पर 2 फ्लैट बताने वाला हूँ। एक 3 BHK, एक 2 BHK फ्लैट है। पार्किंग की सहूलत है, बाइक पार्किंग की, कार पार्किंग की सहूलत नहीं है। कार पार्किंग आपको बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा। बाहर रोड भी काफ़ी अच्छी बड़ी है, 35 फीट की रोड है। देखें जैसा यहाँ पर देख रहे हैं आप कार पार्किंग वगैरह, कार पार्किंग बाहर की तरफ आपको करना पड़ेगा। रोड काफ़ी चौड़ी है, यानी कि 1 महीना और कम्प्लीट हो गया और 80% लोग इसमें उतर गए हैं। हम जो फ्लैट बताने वाले 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर पर, एक 3 BHK, एक 2 BHK है, रजिस्टर्ड है, क्लियर टाइटल है, टैक्स पेड है, परमिशन के साथ है। पीने की पानी की सहूलत है, यहाँ पर बोरवेल भी है और पानी की कोई टेंशन नहीं है। पानी काफ़ी अच्छी मकदार में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। नया फ्लैट है, चले आइए एक बार फ्लैट में जाते हैं। नीचे पार्किंग का एरिया कवर करते हुए, लिफ्ट का एरिया कवर करते हुए, और ये दोनों की फ़्लैट की SFT मैं स्क्रीन पर दे दूँगा, प्राइस भी स्क्रीन पर दे दूँगा। चले आइए मेन गेट से। एग्जैक्ट आपको लोकेशन ओनर के नंबर पर कॉन्टैक्ट करने पर पिन लोकेशन सेंड कर जाएगा। सामने गेट नंबर 2 है, उसके बिल्कुल अपोजिट में ये बिल्डिंग है। यहाँ से मेन गेट से जब अपन एंटर हो रहे हैं, ये पार्किंग प्लेस एरिया है। ये पार्किंग है और यहाँ पर देखिए बिल्डिंग का खुद का ट्रांसफार्मर है, सिक्योरिटी का रूम, लिफ्ट की फैसिलिटीज, सारे एमिनिटीज़ के साथ ये फ्लैट्स आपको मिलने वाले हैं। बाइक पार्किंग अवेलेबल है, कार पार्किंग बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा आपको। और ये बिल्डिंग को काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन भी मिलने वाला है और 80% लोग उतर चुके हैं। नई बिल्डिंग है, 1 महीना हो गया, कंप्लीट हो गया और सारे फ्लैट में लोग उतर चुके हैं। अभी हम दो फ्लैट बताने वाले हैं, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर। यहाँ से स्टेयर्स है और आपको लिफ्ट की भी सहूलत है। चलिए आइए लिफ्ट से हम ऊपर जाते हैं, उसके बाद फ्लैट की डिटेल देते हैं। अभी हम मौजूद है 3rd फ्लोर पर। देखिए लिफ्ट, यहाँ तक आपको लिफ्ट की भी सहूलत है और ये फ्लैट में लोग उतर चुके हैं, यहाँ पर भी लोग उतर चुके हैं। हम जो फ्लैट देखने वाले हैं ये है अपना 302। यहाँ से जैसा मेन इंटर हो रहे, 3rd फ्लोर पे हम परमिशन के साथ है, रजिस्टर्ड है, स्पॉट पे रजिस्ट्री हो जाएंगे आपको 1 घंटे के अंदर, और टैक्स पेड वगैरह भी है, नया फ्लैट है। हॉल में कुछ इस तरीके से फॉल सीलिंग का काम आपको मिलने वाला है और नीचे पूरा टाइल्स का काम मिलने वाला है। बहुत ही बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है और काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन ये फ्लैट में आपको मिलने वाला है। ये 3 BHK फ्लैट है 3rd फ्लोर पे। जैसा हम हॉल से इंटर हो रहे, यहाँ पर काफ़ी अच्छी फ्लैट में स्पेस भी आपको मिलने वाली है और स्टेयर्स भी अच्छे काफ़ी चौड़े हैं आपको, और वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा ये बिल्डिंग में मिलने वाला है। जैसा हॉल में हमारे, हॉल में भी आप देख सकते हैं वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है और वहाँ पर आपको बाहर की तरफ वॉशिंग एरिया भी आपको मिलने वाला है हॉल में से। तो बिल्कुल हॉल में से मेरे लेफ्ट साइड में आपको एक ड्राॅइंग रूम मिलेगा। आपको ड्राइंग रूम में भी विंडो मिलेंगी और ड्राइंग रूम में भी आपको फॉल सीलिंग का काम मिलेगा। हर वॉल पर आपको कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा कलर मिलने वाला है। ये एक आपका ड्राइंग रूम जिसमें स्लाइडिंग विंडो के साथ है। यहाँ से गोलकुंडा फोर्ट भी आपको दिख रहा होगा। मस्जिद बिल्कुल करीब में, बैक साइड में ही मस्जिद है। सबसे पहले हम फ्लैट देख लेंगे, उसके बाद सराउंडिंग एरिया की बात करते हैं। ये देखिए ड्राॅइंग रूम में भी टाइल्स वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मिलने वाले हैं। फिर ये ड्राइंग रूम में से बाहर की तरफ जाने का डोर भी मिलने वाला है। चलिए आइए फिर हम जाते हैं 2 बेडरूम की तरफ। चलिए पहले हॉल कंप्लीट कर लेते हैं। हॉल में आपको यहाँ से आपको वॉशिंग एरिया भी मिलने वाला है। ये रहा आपका वॉशिंग एरिया, टैप कनेक्शन है इधर, और यहाँ पर आप कपड़े वगैरह सुखा ले सकते हैं। मस्जिद बिल्कुल बैक साइड में, गोलकुंडा फोर्ट भी यहाँ से आपको दिख रहा होगा। सराउंडिंग में अच्छे अपार्टमेंट वगैरह भी यहाँ पर बन रहे हैं। फिर यहाँ से हम जाएंगे बेडरूम की तरफ। सबसे पहले मेरा राइट साइड का बेडरूम देख सकते हैं। ये 3 BHK है फ्लैट, ये 3rd फ्लोर पे। इसका SFT पे मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। यहाँ पर भी आप बेडरूम में देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से कलर कॉम्बिनेशन है, एकदम रेडी टू मूव फ्लैट है। नीचे टाइल्स का काम किया गया है और यहाँ पर विंडो कुछ इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिलने वाली है। और ख़ास बात, यहाँ से आपको सिट आउट एरिया भी जो है यहाँ से आपको मिलने वाला है। काफ़ी बड़ा सिट आउट एरिया भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, देख सकते हैं आप।
ये सिट आउट एरिया में, यानी कि ये बालकनी में आपको टाइप कनेक्शन भी है अपने वॉशिंग एरिया, वॉशिंग मशीन वगैरह भी आप रख सकते हैं वहाँ पर। पॉइंट भी दिया गया है, देख सकते हैं आप, आपको आसानी हो जाएगी कपड़े धोने में। और शाम के टाइम पे आप यहाँ पर चेयर डाल के आराम से बैठ भी सकते हैं। तो ये बेडरूम में आपको कुछ इस तरीके से सामान वगैरह रखने के लिए स्पेस मिलने वाली है। आप यहाँ पर कबर्ड्स का काम भी करा ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये एक बेडरूम था, इसके अंदर दो वॉशरूम मिलने वाले, एक कॉमन एक अटैच। ये बेडरूम में हम देखेंगे अटैच वॉशरूम के साथ। ये आपका सेकेंड बेडरूम, ये अटैच वॉशरूम के साथ, देखिए अटैच वॉशरूम आपका। वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, विंडो भी है आपको ये बेडरूम में, और यहाँ पर भी सामान वगैरह रखने के लिए आपको स्पेस है। यहाँ पर भी फॉल सीलिंग का काम, पीओपी का काम करना मिलने वाला है। नीचे आपको कुछ इस तरीके से नए टाइल्स मिलने वाले हैं, रेडी टू मूव, स्पॉट पे रजिस्ट्री, एक घंटे में रजिस्ट्री होती है ओनर का कहना है, और टैक्स पेड है, परमिशन के साथ है, क्लियर टाइटल है। और यहाँ पर आपको इसके अंदर ये दो बेडरूम हो गए, एक ड्राइंग रूम हो गया, ये हॉल काफ़ी बड़ा, और यहाँ पर आपको दो तरफ आपको बालकनी मिलने वाली है, मतलब वॉशिंग एरिया एक यहाँ पर हॉल में, और आपको ये बेडरूम में, ये काफ़ी बड़ी बालकनी है। और ये रहा आपका जनरल वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम जिसे कहते हैं, ये कॉमन वॉशरूम, राइट। अब बात करेंगे इसके एसएफटी की। इसके एसएफटी आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, और इसका प्राइस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, थर्ड फ्लोर का 3 BHK फ्लैट का। अभी हम जाएंगे फोर्थ फ्लोर पे, ओके। यहाँ पर भी आपको वेंटिलेशन यानी डग एरिया मिलने वाला है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये फ्लैट का काम किया गया है, रेडी टू मूव, परमिशन के साथ, टैक्स पेड, स्पॉट पे रजिस्ट्री, लोकेशन बहुत ही अच्छा है, लंगर हाउस और सराउंडिंग में मस्जिद, स्कूल वगैरह भी करीब में है। लंगर हाउस फ्लाईओवर भी यहाँ से बिल्कुल करीब में, जैसा मतलब ये ईदगाह के बैक साइड में जाती है अपने को लंगर हाउस फ्लाईओवर, वहाँ से आप सन सिटी चले जाइए, लेफ्ट जाके टोली चौकी, मेहदीपट्टनम चले जाइए, गोलकुंडा चले जाइए, एयरपोर्ट चले जाइए। बहुत ही प्यारा लोकेशन है, स्कूल मस्जिद वगैरह भी करीब में है। तो ये था 3 BHK फ्लैट। चलो आप जाइए फोर्थ फ्लोर पर, वहाँ जाके 2 BHK फ्लैट देखेंगे। हम हैं फोर्थ फ्लोर पर अभी। फोर्थ फ्लोर पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये G+5 बिल्डिंग है, एक फ्लोर पर 4 फ्लैट है, यहाँ पर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है। यहाँ पर भी अच्छी स्पेस मिलने वाली है, लिफ्ट और स्टेयर की सहूलत। और ये है 401 फ्लैट, ये 2 BHK फ्लैट है। अब यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन, सीलिंग का कलर कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। ये रहा आपका हॉल, हॉल में कुछ इस तरीके से टाइल्स का काम किया गया है, और फॉल सीलिंग का काम देख सकते हैं आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये पूरे नए फ्लैट है, एक महीना बिल्डिंग बन के हुआ है ये, और इसमें 80% लोग उतर चुके हैं, इसीलिए के हर चीज़ की सहूलत है, पीने के पानी की, बोरवेल की, बाइक पार्किंग, और आपको मेन खास बात रजिस्टर्ड है, टैक्स पेड है, स्पॉट पे रजिस्ट्री है। तो ये 2 BHK फ्लैट है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग का काम। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर भी यहाँ पर अपने को बालकनी यानी के वॉशिंग एरिया मिलने वाला है। ये रहा आपका हॉल में वॉशिंग एरिया, इसे दो बेनिफिट रहते अपने को, एक तो वॉशिंग एरिया हो गया, सेकंड अपने को वेंटिलेशन काफ़ी प्यारा है, ओके। यहाँ से फिर हम हॉल से जाएंगे, दो बेडरूम देख लेंगे। ये 2 BHK फ्लैट है, फर्स्ट ये बेडरूम देखेंगे। कभी भी मैं राइट साइड से स्टार्ट करता हूँ वीडियो। ये फर्स्ट बेडरूम में आपको कुछ इस तरीके से फॉल सीलिंग का काम मिलने वाला है, और यहाँ पर भी वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी वॉल पर बहुत अच्छा है। 2 BHK फ्लैट फॉर सेल, रजिस्टर्ड, क्लियर टाइटल, टैक्स पेड, स्पॉट रजिस्ट्री। यहाँ पर आपको सामान वगैरह रखने के लिए कुछ इस तरीके से स्पेस मिलने वाली है, आप कबर्ड्स का भी काम करा ले सकते हैं। एकदम रेडी टू मूव है नए फ्लैट से। जाएंगे सेकेंड बेडरूम की तरफ, ये रहा आपका सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अटैच वॉशरूम मिलने वाला है सेकेंड बेडरूम में, और सामान वगैरह रखने के लिए आपको स्पेस मिलने वाली है, और वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। सेकेंड बेडरूम में भी आपको बालकनी मिलने वाली है, यानी कि वॉशिंग एरिया, ये वॉशिंग एरिया है। इससे दो बेनिफिट रहते अपने को, एक वॉशिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं अपन, सेकेंड अपने को यहाँ से वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। ये रहा आपका वेंटिलेशन, और अपोजिट में आपको यहाँ से ईदगाह दिख रहा होगा, सामने ईदगाह है, रोड नंबर 2, गेट नंबर 2 के अपोजिट में अपनी बिल्डिंग है,
वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, फिर हम यहाँ से जाएंगे सेकेंड बेडरूम से बाहर। इसका ये अटैच वॉशरूम देख लीजिए आप एक बार। खास बात, बिल्डिंग में वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा है। वेंटिलेशन जितना अच्छा रहा उतना घर के लिए अपने अच्छा रहेगा, यानी कि गर्मी नहीं होगी, उजाला रहेगा और जो भी बैड स्मेल वगैरह है आराम से आपको बाहर, मतलब यहाँ से हवा जैसा आएंगी अंदर सामने की तरफ से, ये तरफ से बाहर चली आएंगी। ये रहा आपका किचन एरिया। रेडी टू मूव, नए फ्लैट्स स्पॉट पे रजिस्ट्री। ये रहा आपका किचन एरिया। किचन में यहाँ पर सज्जा है और किचन में भी यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो और जाली, नेट जाली के साथ हर विंडो पे नेट जाली है। ये आपका कॉमन वॉशरूम, यहाँ पर भी एक शॉर्ट एक छोटा वॉश बेसन रखा गया है। ये रहा आपका कॉमन वॉशरूम, जनरल वॉशरूम जिसे कहते हैं। इसमें भी अपने को वेंटिलेशन मिलने वाला है। तो ये था हॉल। इसकी सेफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो इसकी सेफ्टी आपको स्क्रीन पे दे दूंगा और प्राइस स्क्रीन पे दूंगा। जो भी आप लोगों को डाउट है ओनर को डायरेक्ट कॉल करिए, बात करिए। 3 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट, जो भी आपका डाउट है, एक थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे। जो थर्ड फ्लोर पे था वो 3 BHK था, जो फोर्थ फ्लोर पे वो 2 BHK। सिंपल है, कुछ भी डाउट है आप विजिट करिए। प्राइस के ताल्लुक से बात करना है तो ओनर से बात कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्पॉट पर रजिस्ट्री बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से लाइट का काम दिया गया है, देखिए कमान में बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ऐड के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।